अभी हम आपको लेके आ गए आगरा में, और भैया यहाँ पे क्या बनने जा रहा है हमारा? पेठा बनने जा रहा है। पेठा बनने जा रहा है, पहले मतलब पेठा लिया जाएगा। हाँ जी। सो गाइस ये देखिए पेठा लिया जा रहा है अंकल, ये सब्जी वाला पेठा है ये? नहीं, ये सब्जी वाला नहीं होता, ये मिठाई वाला होता है। अच्छा, मिठाई वाला पेठा होता है, मतलब दो तरीके अलग अलग होते हैं पेठे भी। हाँ जी। पहले इसे काटा जाएगा। हाँ जी। सो गाइस यहाँ पे देखिए इसे पहले काटा जाएगा, ये हमारा पेठा कट गया। अच्छा, इसके चार टुकड़े करे जाएंगे पहले। ये क्या निकाल रहे हैं अंकल जी? ये बीज निकल रहे हैं इसके, गुदा अच्छा होता है इसके अंदर। अच्छा, गुदा होता है, इसका बीज निकाल लिए जाते हैं। बीज निकाल लिए जाते हैं। सो भाई यहाँ पे इसके बीज निकाल लिए गए हैं। तो भाई यहाँ पे देखिए इसका पहले छिलका उतारा जाता है, पहले पेठे लिया जाता है, उसके बाद काट लिया जाता है, उसके अंदर का सारा गुदा निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद ये पीछे का जो छिलका होता है उसे निकाल लिया जाता है। सो ये हमारा कौन सा वाला पेठा बनने जा रहा है? ये डाई पेठा बनने जा रहा है। डाई पेठा? हाँ जी। अरे वाह। सो भाई डाई पेठा बनने जा रहा है हमारा यहाँ पे। ये देखिए भैया ने पहले इसका पूरा छिलका काट लिया पीछे से। तो गाइस 56 से ज्यादा वैरायटी के पेठे होते हैं यहाँ पे। देखिए ये यहाँ पे ले लिया गया। अभी ये क्या करा जा रहा है? ये इसकी गुदाई हो रही है। गुदाई हो रही है। सो गाइस आप देख सकते हैं एकदम ही ट्रेडिशनल मेथड, ओल्ड स्कूल जैसा मेथड से यहाँ पे गुदाई होती है। मतलब आजकल नॉर्मली लोग मशीन यूज करते हैं गुदाई के लिए, यहाँ पे एकदम ही ट्रेडिशनल मेथड से होती है, जैसे पहले हुआ करती थी तरीके से होती थी, वही तरीका यहाँ पे आज भी मौजूद है। हाथ की चीज है, वही सही है जो मशीन। तो बिल्कुल, तो मतलब गुदाई किस लिए की जाती है भैया? ताकि इसमें चाशनी रस बच सके। अच्छा, चाशनी रस सके। हाँ। तो भाई चाशनी रस सके इसलिए इसकी गुदाई की जाती है, दोनों साइड से की जाती है। हाँ, दोनों साइड से की जाती है कि अच्छे से चाशनी इसमें जा सके। हाँ, अच्छे से जा सके और पूरी मिठास बन सके इसमें। तो अच्छे से जान लगाई जाती है, मतलब पूरी मेहनत लगती है। पूरी मेहनत का काम है ये। तो ये हमारा तैयार हो गया भाई। यहाँ पे ये देखिए गुदाई हो चुकी है, और यहाँ पे हमारे ये पेठे को लेके जाया जाएगा चूने के पानी में। उसमें पानी ये भर रखा है चूने का, और सारे इसमें डाल दिए। तो भैया अब ये कितनी देर तक रखा जाएगा चूने के पानी में? ये सारा टाइट हो जाएगा एक घंटे के अंदर। ये पानी में रखे हुए एक घंटा हो चुका है, और यहाँ पे देखिए हमारा पेठे को निकाल लिया जा रहा है। और भैया अभी इसको काटा जाएगा। भैया टोटल कितना पेठा तैयार हो रहा है हमारा? 1.5 क्विंटल। भाई 150 किलो पेठा तैयार हो रहा है यहाँ पर, 1.5 क्विंटल। ये देखिए, मतलब ये हमारा ड्राई पेठे के लिए तैयार हो रहा है। हाँ जी। ये देखिए भाई, इस पहले इसको स्क्वायर पीसेस में निकाल लिया जाता है, लंबा लंबा काट के। तो आप देख सकते हैं गाइस पूरी कढ़ाई भर के पेठा, और गाइस वीडियो में बहुत छोटी लग रही होगी आपको कढ़ाई, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, बट बहुत ही ज़्यादा बड़ी कढ़ाई है यहाँ पर। और भैया इसके बाद क्या किया जाएगा इसको? इसके बाद इसे धोया जाएगा गर्म पानी से धोया जाएगा। ठंडे पानी से पहले ठंडे पानी से फिर गर्म पानी में उबाला जाएगा। कितनी देर तक ये? कम से कम 20 मिनट। सो भाई जितना भी हमारा पेठा था पहले काट लिया गया, अब इसको इसलिए चाशनी बनाई जा रही है। यहाँ ये पानी में उबाला जाएगा, अच्छे से चाशनी तैयार की जाएगी। तो ये देखिए चीनी की क्वालिटी देखिए, डबल रिफाइंड शुगर है ये देखिए। सो ये शुगर इसमें डाली गई है, और यहाँ पे देखिए 2 कट्टे भर के डाल दी गई है। भैया कितना होगा ये, कितना वेट होगा एक कट्टे में? 3 कट्टे डाल दिए, 50 किलो एक कट्टे में। गाइस 3 कट्टे चीनी डाल दी है, और चाशनी तैयार की जा रही है। सो गाइस जितना भी हमारा पेठा था 1.5 क्विंटल इस कढ़ाई में सारा निकाला जा रहा है। जितना भी चूने वाले पानी में रखा गया था, कम से कम 1 से 1.5 घंटा इसे रखा गया था, अब सारा निकाला जा रहा है। अब इसे रखा जाएगा, उसके बाद इसे धोया जाएगा। सो गाइस जितना भी हमारा पेठा था चूने के पानी से, उसके बाद यहाँ से ये देखिए साफ पानी से धोया जा रहा है। चूने के पानी से निकाल लिया गया अच्छे से, उसके बाद साफ पानी से, ये देखिए अंदर साफ पानी भरा हुआ है। 2 बार धोया जाएगा यहाँ पे, देखिए धुलने के बाद सारा खाली कढ़ाई में डाला जा रहा है। 1 बार धो लिया गया है, अब इधर दूसरी बार धोया जाएगा यहाँ पर। ये देखिए भाई, ये देखिए सारा हमारा जो पहले पेठा एक बार ही धुल चुका था, उसके बाद साफ पानी से दोबारा धोया जा रहा है। कम से कम 2 से 3 बार इसे धोया जाता है। अभी आप 1.5 क्विंटल पेठा देख रहे हैं हमारा सारा, इसे थोड़ा निकाल के इधर धोया जा रहा है बिल्कुल साफ पानी से, ये देखिए। तो गाइस ये देखिए अब अच्छे से धोया जा रहा है इसे बिल्कुल, अब साफ पानी इसमें डाला गया, और इसमें कोई भी मतलब केमिकल या बैक्टीरिया ना रह जाए, दोनों भैया लगे हुए हैं, और पूरा अच्छे से धोया जा रहा है, जितना उछाला जा रहा है इसमें पानी। देखिए दूसरी बार भी धुलाई होने के बाद फिर से सारा पानी निकाल लिया जा रहा है, ये देखिए सारा पानी बाहर आ गया है। सो गाइस प्रॉपर ट्रेडिशनल मेथड से बनाया जाता है यहाँ पर। देखिए तीसरी बार भी अब इसमें साफ पानी डाला जा रहा है बिल्कुल तरीके से, देखिए पूरा अच्छे से साफ पानी इसमें डाला जा रहा है, ये देखिए मतलब प्रॉपर धोला जाता है, कोई मतलब कमी पेशी नहीं रहती इसमें, एकदम सफाई से काम होता है, और एकदम ट्रेडिशनल मेथड से, पुराने जमाने जैसे बनाते वैसे ही बनता है यहाँ पर, आपको प्राचीन पेठा में मिलेगा।
सो गाइस ये देखिए अब तीसरी बार मतलब धुलाई करने के बाद अब इसे बाहर निकाला जा रहा है, अब इसके बाद उबाला जाएगा इसे। यहाँ पे ये देखिए अब चाशनी हमारी छानी जा रही है, मतलब जितनी भी गंदगी है सारी इसमें छन के निकल जाएगी। ये देखिए अब इसके बाद इसमें डाला जाएगा हमारा पेटा। यहाँ पे ये देखिए पेटे को उबाला जाएगा, यहाँ पे पेटे को लाया जा रहा है, यहाँ पे इसको बड़ी कढ़ाई में डाला जा रहा है और यहाँ पे अब पेटा उबाला जाएगा। एक क्विंटल जितना भी हमारा पेटा था सारा उबाला जाएगा। ये देखिए वाइस तीन चार बार धुलने के बाद अब इसमें देखिए उबालने के लिए अब पानी भरा जा रहा है कढ़ाई में। सारा पेटा डाल लिया गया है, 1.5 क्विंटल पेटा यहाँ पे आ गया हमारे कढ़ाई में। अब इसमें साफ पानी डाला जा रहा है पूरा कढ़ाई में। ये देखिए सो गाइस जितना भी आप पेटा देख रहे हैं हमारा, करीबन आधा घंटा इसे उबाला जाएगा। सो गाइस ये देखिए आधा घंटा हो चुका है, यहाँ पे देखिए पेटा कितना उबल रहा है, मतलब कैमरा में आपको दिख नहीं रहा होगा, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर है इसका और मतलब बच ही नहीं सकता, मतलब कोई भी बैक्टीरिया इसमें होना निकल मतलब ऐसा निकल जाएगा। ये देखिए और सारी मतलब उसके बाद भी कोई गंदगी निकलती है ना, ये भी यहाँ पे निकाल ली जाती है, मतलब इतनी इससे ज्यादा सफाई से काम मैंने कहीं होते हुए नहीं देखा। बिल्कुल अच्छे से पेट बलना एक अलग होता है, यहाँ पे पेटा खोल रहा है। सो भाई यहाँ पे ये देखिए आपको नीचे इतना उबल रहा है, मतलब पेटा दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये देखिए पेटा मतलब इतने ज्यादा टेम्परेचर में दिख रहा है, मतलब अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये देखिए आधा घंटा हो चुका है और यहाँ पे पेटे को बाहर निकाला जा रहा है, देखिए कितना खोल रहा है और कितना धुआं धुआं हो रहा है, आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा इसमें कोई भी बैक्टीरिया मेरे को नहीं लगता बचा होगा। मतलब देखिए कितना एकदम ही साफ हो चुका है यहाँ पर। यहाँ पे ये देखिए पूरा हमारा मतलब पेटा। अंकल अब इसके बाद क्या होगा? पानी डाल के धोया जाएगा, मतलब पांचवी बार धुलेगा अब ये। सो गाइस यहाँ पे ये देखिए हमारे पेटे को बाहर निकाला जा रहा है, जितना भी हमारा इतना ही पानी रह गया था इसमें कि एक बार और अच्छे से निकल जाए। बिल्कुल सफाई हो गई है, जितना भी चूने के पानी से जितनी भी गंदगी रह जाती है और उसको उबाला इतना गया है, उसकी बिल्कुल सफाई हो गई है इसकी। भैया अब इसके बाद क्या किया जाएगा? इसके बाद क्या होगा? इसके बाद चाशनी यहाँ से इसे उठाया जाएगा, अब डाला जाएगा चाशनी के अंदर। ये देखिए जितना भी हमारा पेटा था सारा चाशनी में डाला जा रहा है। अब कितने डिग्री टेम्परेचर पे? 200 डिग्री टेम्परेचर पे 1.5 घंटे तक इसे बॉयल किया जाएगा। ये देखिए खोल रही है चाशनी, मतलब कोई नाम का भी नाम मात्र का भी बैक्टीरिया रह नहीं सकता इसके अंदर। सो गाइस ये देखिए जितना भी हमारा पेटा था सारा ले लिया गया है गाइस, करीबन 1.5 क्विंटल पेटा था हमारा यहाँ पर। ये देखिए सो अंकल जी इसमें कोई गंदगी का मतलब ही नहीं है, ये इतने सफाई तरीके से बनता है। 1.5 क्विंटल पेटे को कम से कम 2-4 लीटर पानी से वॉश किया गया है, इसको धोया गया है, फिर इसको 1.5 घंटे चाशनी में पकाया जाएगा 200 डिग्री टेम्परेचर पर। सो गाइस ये देखिए करीबन आधा घंटा हो चुका है और अच्छे से उबाला आ रहा है चाशनी में। सो गाइस यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, मतलब आप कहते हैं ना कोई बैक्टीरिया बच जाएगा इसमें या कोई अनहाइजीनिक से हो रहा है, तो सर कितना टेम्परेचर था ये अभी? तो भाई ये आप देख सकते हैं 183 है। कितना टेम्परेचर है ये? इसमें अभी 187 दिखा रहा है। हाँ जी हाँ जी 89 आ गया। हाँ जी ये अभी 210 तक जाएगा, 210 तक जाएगा, 210 तक जाएगा। तो भाई यहाँ पे आप टेम्परेचर देख सकते हो इसका 210 है, जितने भी कढ़ाई में भाई चाशनी पक रही है 191 आ गया। और नीचे एक बार उसका भी दिखा दीजिए, हीट का टेम्परेचर देख रही है, ओवरलोडेड लिखा हुआ आ रहा है, मतलब इस कंट्रोल में मतलब कैच ही नहीं कर पा रहा हमारा 1.5 क्विंटल जो पेटा था, मतलब 7-8 घंटे लगे इसे बनने में, एकदम शुरू से प्रोसेस दिखाया है। ये देखिए मतलब अब देखिए बिल्कुल चाशनी से निकल के आ चुका है और गाइस कोई भी इम्प्योरिटीज या कोई भी बैक्टीरिया का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। 200 डिग्री पे पकाया गया इसे 2-3 घंटे। तो ये देखिए गाइस और पूरा पेटा हमारा बन के आ चुका है, अब इसको लेते हैं और टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कैसा है इसका टेस्ट। तो गाइस ये देखिए हमारा यहाँ से 2 घंटे हो चुके हैं और यहाँ पे इस कढ़ाई से पेटा निकाल के, भैया ये किस में रखा जा रहा है? अच्छा छोटे ताश में रखा जा रहा है, इधर ठंडा होगा उसके बाद इस ताश से निकाल के एक थाल में रखा जाएगा। ये देखिए गाइस अच्छे से फैलाया जा रहा है कि सारा ठंडा हो जाए मटेरियल। आप एक केवड़ा डाला जा रहा है हमारे पेटे के ऊपर, एकदम थोड़ी मतलब अच्छी सी खुशबू आई। तो गाइस केवड़े को डाले हुए मतलब इतना नेचुरल है, यहाँ पे केवड़े को डाले 2 मिनट ही हुआ इतनी ज्यादा खुशबू आ गई है, पूरा ये जो कारखाना आप देख रहे हैं इधर पूरा महक गया है। सो गाइस यहाँ पे देखिए सारा पेटा इसमें निकाल लिया गया, अब इसको लेते हैं और इसको टेस्ट करके बताते हैं आपको कैसा है इसका टेस्ट। सो गाइस सुबह 8 बजे बनना शुरू हुआ था पेटा, अब आप टाइम देख सकते हैं 5 बज गए, ट्राई करते हैं इसे जल्दी जल्दी।
आपसे पहले मैंने कभी गरम पेठा खाया नहीं। आप पूरे आगरा में हो, आपको अगर टेस्ट डेवलप करना है पेठे का तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा प्राचीन पेठा। अल्टीमेट टेस्ट है, टेस्ट से पहले स्मेल इतनी अच्छी है। नेचुरल केवड़ा सिरप जो होता है वो यूज हुआ है, बहुत अच्छी स्मेल है, टेस्ट बहुत अच्छा है। अगर आपको ये ट्राई करना है तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा प्राचीन पेठा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कौन सी मिठाई पसंद है। मज़ा आ गया, मैं करता हूँ इसे जल्दी जल्दी फिनिश और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।